भील आंदोलन। तो भील आंदोलन दो बार होता है, एक होता है गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन, और दूसरा होता है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन। तो गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बेड़सैन बसिया गांव में होता है, एक बंजारे परिवार में। गोविंद गिरी पर आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव था। गोविंद गिरी कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन जाते हैं, और गोविंद गिरी सिरोही में जाकर के 1883 में सम सभा यानी प्रेम सभा की स्थापना करते हैं, और बेड़सा गांव में धूनी धूनी रमाना शुरू कर देते हैं, धूना लगाना शुरू कर देते हैं तथा अपना ध्वजा यानी कि निशान भी लगा लेते हैं, और सामाजिक व आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। संतसभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ में होता है, यानी कि मानगढ़ यानी बांसवाड़ा जिले में होता है। संतसभा की स्थापना की जाती है सिरोही जिले में और बांसवाड़ा जिले में, इसका प्रथम अधिवेशन होता है। फिर इसके बाद उसने अपने उपदेशों में समाज में धर्म सुधार के कार्य किए, और इस कारण गोविंद गिरी समाज और धर्म को सुधारने के काम किए। इस कारण गोविंद गिरी बांसवाड़ा डूंगरपुर और गुजरात के भील क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गए। अब इनकी लोकप्रियता को देख करके डूंगरपुर राज्य के अधिकारी और जमींदार चिंतित होने लगे, और उन्होंने इनको डूंगरपुर छोड़ने को विवश कर दिया, और फिर ये भेड़सा गांव छोड़ करके गुजरात चले जाते हैं बम्बई प्रांत में। गुजरात में जाकर के ये उकरेली गांव में हाली का काम करते हैं और वहां भी अपना काम जारी रखते हैं। फिर 1911 में गोविंद गिरी फिर से अपने मूल स्थान इन बेड़सा में आ जाते हैं, और वहां आकर के एक धूनी स्थापित करते हैं और भगत पंथ की स्थापना करते हैं, और जो धूनी की स्थापित करते हैं और धूनी की रक्षा के लिए एक कोतवाल को भी नियुक्त किया जाता है। गोविंद गिरी का प्रभाव दक्षिण राजस्थान गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया तथा ईडर सूंत बांसवाड़ा डूंगरपुर राज्य के अलावा गुजरात क्षेत्र में भी पहुंच गया था। फिर इसके बाद जो अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया और यह कहकर छोड़ दिया कि आप डूंगरपुर राज्य में नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद गोविंद गिरी ईडर होते हुए 1913 में बांसवाड़ा में सूंत राज्य की सीमा पे है मानगढ़ पहाड़ी, वहाँ पर जा करके रहते हैं, और वहाँ पर भारी संख्या में भील एकत्रित होते हैं, उनको बुलाया जाता है, और अपने साथ में भील राशन पानी और हथियार भी लेकर जाते हैं। इस बात को देख करके ईडर सूंत डूंगरपुर बांसवाड़ा इन चार जगहों के चार राज्यों के अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो जाते हैं और भीलों का दमन करने का शुरू करते हैं, दमन करने का प्रयास करते हैं। और 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की दो कंपनियां, 104 बैलेजली राइफल्स की एक कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लेती है। फिर ऐसी स्थिति में समझौता करने के लिए गोविंद गिरी 12 नवंबर को एक मांग पत्र भेजते हैं अधिकारी से बात करने के लिए, लेकिन 17 नवंबर 1913 को अंग्रेज फौज ने मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण में संघर्ष होता है भीलों के और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज सेनाओं के बीच, और इसमें लगभग 1500 भील मारे जाते हैं। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। फिर इसके बाद में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है, और फिर इसके बाद में गोविंद गिरी को 7 वर्ष बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन सरकारी निगरानी में रहकर वो अहमदाबाद संभाग के पंचमहल जिले में झालोद गांव में रहने लगते हैं, और गुजरात राज्य के कंबोई नामक स्थान पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका अंतिम संस्कार 1931 में हो जाता है। इस प्रकार जो बागड़ के भील आदिवासी थे उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, और उन पर आदिवासियों में आंशिक तौर पर जो उनकी मांगें थी उनको लागू कर दिया गया था।
और इस तरह से यह भीलों का जो आंदोलन का नेतृत्व किया था गोविंद गिरी ने, इस तरह से चला। अगला भील आंदोलन है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन, इसको एक ही आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन ने भील तथा ग्रामीणों को पुनः जागृत किया और 1917 में अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा। उन्होंने रियायतें भी दी परंतु उनसे भील असंतुष्ट थे और ऐसी स्थिति को देख करके मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों को सामंती शोषण से राहत दिलाने के लिए किले चित्तौड़ के मृत कुंडिया में एक ही आंदोलन शुरू किया था। तो मोतीलाल तेजावत ये उदयपुर जिले के झाड़ोल ठिकाने के कोलियाई गांव के निवासी थे और इनका जन्म ओसवाल बनिया परिवार में हुआ था 1886 में। फिर एक ही आंदोलन के प्रचार के लिए तेजावत ने, यानी कि एक ही आंदोलन शुरू किया था मृतकुंडिया में और एक ही आंदोलन के प्रचार के लिए तेजावत ने 1921 में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को बदराना गांव में हरिहर मंदिर में एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में ये तय किया कि वो किसी प्रकार के अनुचित कर्म बेगार नहीं करेंगे, इस तरह का निर्णय लिया गया। एक ही आंदोलन की स्थापना 1921 में वैशाख पूर्णिमा को चित्तौड़ जिले की मृतकुंडिया से की गई। तो सबसे पहले जो बेगार नहीं देने का निर्णय किया जाता है या फिर कर देने का निर्णय किया जाता है कि कोई भी कर नहीं देगा, तो सबसे पहले झाड़ोट ठिकाने के भीलों ने बेगार का कर देना बंद किया और फिर इसके बाद में मोतीलाल तेजावत किसानों और आदिवासियों को पिछोला झील की पाल पर एकत्रित करते हैं और वहाँ पर एक निर्णय लेते हैं कि सूत्री मांग तैयार की जाती है जिसको मेवाड़ की पुकार कहते हैं और इस पत्र को महाराणा के पास भेजा जाता है। महाराणा इनमें से कई मांगों को मान लेता है लेकिन कर्मचारियों ने कार्य रूप से परिणित नहीं होने दिया, यानी कि इसको लागू नहीं होने दिया। फिर इसके बाद में तेजावत आंदोलन को घर घर जाकर करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं और समाज में भील समाज में प्रचलित कुरीतियाँ जैसे मद्यपान, गोवध, कन्या विक्रय आदि के विरुद्ध अभियान चलाते हैं। फिर तेजावत की सलाह पर बहुमठ क्षेत्र के समस्त भीलों ने भी जागीरदारों को कर देना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो झाड़ोल के ठाकुर थे वो बहुत भड़क गए और उन्होंने तेजावत पर भीलों को भड़काने का आरोप लगा दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भीलों के संगठन कारण उनको छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद में दिसंबर 1921 में आंदोलन ईडर, सिरोही आदि क्षेत्रों में फैल जाता है। फिर 31 दिसंबर 1921 को महाराणा मेवाड़ ने एक आदेश जारी कर दिया कि बहुमत क्षेत्र में 50 से अधिक भीलों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा और तेजावत को गिरफ्तार करने वाले को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो इसी स्थिति ऐसी स्थिति को देखते हुए 1922 में मोतीलाल तेजावत सिरोही राज्य में चले जाते हैं और वहां जाकर के गरासी और भील आदिवासियों को का सहयोग करते हैं, उनमें जन चेतना जागृत करते हैं। फिर इसके बाद में मोतीलाल तेजावत गुजरात के ईडर राज्य में प्रवेश कर जाते हैं अपने 2000 अनुयायियों के साथ में। फिर वहां पर छितरिया नामक स्थान पर रुक जाते हैं और 7 मार्च 1922 को मेजर सटन की कमांड वाले मेवाड़ भील कौर ने उनको घेर लिया और उन पर गोलियां चलाई जिससे कि 20 लोग मारे जाते हैं। फिर इसके बाद में 5 से 6 मई 1922 को एजीजी के सचिव मेजर प्रचार्ड के नेतृत्व में राज्य की सेना में मेवाड़ भील की कौर टुकड़ी ने रोहिड़ा तहसील के बालोलिया और भूला गांव पर आक्रमण कर दिया जिससे 50 लोग मारे जाते हैं। फिर राजस्थान सेवा संघ ने इस घटना की जांच करने के लिए रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त को नियुक्त किया था। फिर मोतीलाल तेजावत 1922 से 1923 में सिरोही में एक ही आंदोलन चलाते हैं, यानी 1922 से लेकर के 1923 में एक ही आंदोलन को फिर से चलाते हैं और इस समय राष्ट्रीय नेता मदन मोहन मालवीय का पुत्र रमाकांत मालवीय सिरोही राज्य का दीवान था और 23 मई 1922 को सिरोही राज्य ने भीलों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया था और आंदोलन को सफलता देनी समाप्त करने में।
और इसके साथ ही 1922 में बहुमत क्षेत्र के जमींदारों ने भी भीलों को रियायतें देना शुरू कर दिया। और फिर 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने, यानी कि गुजरात का आता है ईडर राज्य में, तो वहाँ की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नाम का एक गाँव है वहाँ पर तेजाजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी गिरफ्तारी के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। और मोतीलाल तेजावत से 23 अप्रैल 1936 को एक वचन दिलाया जाता है कि आप किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, और इस तरह से इनको जेल से छोड़ दिया जाता है। मोतीलाल तेजावत फिर से 1936 में उदयपुर आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर के इन्होंने वनवासी सेवा संघ की स्थापना, मीणा आंदोलन। तो मीणा की लूटपाट से परेशान होकर के भारत सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित कर दिया, और जयपुर राज्य ने भी जरायम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को आपराधिक जाति घोषित कर दिया, और 25 से अधिक आयु वाले स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन पुलिस थाने में उपस्थिति देनी होगी। तो इस अधिनियम का विरोध करने के लिए तथा मीणाओं में जागृति पैदा करने के लिए छोटू राम झरवाल, महादेव राम पबड़ी तथा जवाहर राम मीणा ने मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की। फिर 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा गठित हुई, और इसमें ये तय किया गया कि जरायम पेशा कानून को वापस लिया जाए, समाप्त किया जाए। फिर इसके बाद में 1944 में जैन मुनि थे जिनका नाम था मगन सागर जी, इन्होंने मीन पुराण लिखी थी और मीणा जातियों को उनके प्राचीन गौरव से अवगत कराया था। फिर 7 अप्रैल 1944 को नीम का थाना सीकर में मगन सागर जी की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना होती है, और वंशीधर शर्मा को इसके अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 1945 में यह समिति जरायम पेशा कानून के विरोध में व्यापक आंदोलन का निर्णय लेती है, मीणा सुधार समिति। फिर ठक्कर बापा एवं मीणा सुधार समिति के प्रयासों से 3 जुलाई 1946 को जयपुर राज्य ने गैर अपराधी मीणाओं को जरायम पेशा कानून से मुक्त कर दिया, तथा 28 अक्टूबर 1946 को बालावास यानी सीकर में मीणाओं का महासम्मेलन होता है, जिसे मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम को छोड़ दिया। और 1952 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयत्नों से मीणाओं पर लगे सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाते हैं 1952 में। तो ये था मीणा किसान आंदोलन। इसी के साथ में हमारे जो आदिवासी आंदोलन था भील और मीणाओं के, ये समाप्त होते हैं।